नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जी टॉक जी टेक्निकल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में यूपी चलंगम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का पार्ट टू लेकर आया हूं, जिसमें मैं सिविल इंजीनियरिंग के जेई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। अगर अभी आपने यूपी चलंगम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज का पार्ट वन नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जा करके क्लिक करके देख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बल सही तरह से तब परिभाषित होगा जब पता हो। ऑप्शन वन परमाण, ऑप्शन बी दिशा, ऑप्शन सी स्थिति एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी। जब परमाण, दिशा और स्थिति तीनों ज्ञात हों तो हम बल को परिभाषित कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी विस्थापन विधि नहीं है। ऑप्शन ए संतुलन विधि, ऑप्शन बी कॉलम एनालॉजी विधि, ऑप्शन सी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन विधि एंड ऑप्शन डी कार्नी की विधि। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कॉलम एनालॉजी मेथड या कॉलम एनालॉजी विधि, जो विस्थापन विधि नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमित घर्षण और सामान्य प्रतिक्रिया के अनुपात को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए घर्षण का गुणांक, ऑप्शन बी घर्षण का कोण, ऑप्शन सी सर्पी घर्षण एंड ऑप्शन डी घर्षण प्रतिरोध। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण का गुणांक, जो सीमित घर्षण और सामान्य प्रतिक्रिया के अनुपात कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सीधा सपाट और वर्गाकार जोड़ को भी कहा जाता है। ऑप्शन ए बट जोड़, ऑप्शन बी रिवेटेड जोड़, ऑप्शन सी रिवेटेड एवं पट्टिका जोड़ एंड ऑप्शन डी टंग तथा अंडाकार जोड़। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी रिवेटेड एवं पट्टिका जोड़, रिवेटेड एंड फिलेट जॉइंट। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, IS 800/1971 के अनुसार सख्त चालित रिवेट के सकल क्षेत्रफल पर अपरूपण तनाव कितना होगा। ऑप्शन ए 785 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 945 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 1025 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन नंबर डी 1575 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी 945 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। विलयित दहन खंडों के लिए औसत कर्तन प्रतिबलों का मान 945 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक रिवेट के सैंक का व्यास डी है तो उस रिवेट के स्नैप हेड अथवा पेन हेड का व्यास कितना होगा। ऑप्शन ए है 1.4D, ऑप्शन बी है 1.5D, ऑप्शन सी है 1.6D एंड ऑप्शन डी है 2D। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1.6D, जो कि आप रिवेट में देख सकते हैं। ये सैंक होता है एंड ये हेड होता है, तो ये सैंक का जो डायमीटर डी लिया जाता है, तो हेड का जो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक लिया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, वो 1.6D लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस रिवेट में ये डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक डी है, तो यहाँ से यहाँ तक 1.6D लिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ढांचे के स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। ढांचा ये स्टील में कहा गया है स्ट्रक्चरल मेंबर को, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 0.2 से 0.27%, ऑप्शन बी है 0.7 से 0.8%, ऑप्शन सी है 1.2 से 1.27%, ऑप्शन डी है 1.7 से 1.8%। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 0.2 से 0.27%। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तान क्या है, इट इज ए, तान इसमें पूछा गया है तान क्या होता है। तो ऑप्शन ए है नमन घटक, ऑप्शन बी है संपीड़न घटक, ऑप्शन सी है टॉर्जन मेंबर या मरोड़ घटक एंड ऑप्शन डी है तनाव घटक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी तनाव घटक, टेंशन मेंबर होता है। तो टाई जैसे आप देख सकते हैं आगे ये ट्रस है, एक यहाँ पे रूफ ट्रस है, इसमें यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो बीम है, ये वाला बीम, ये टाई बीम है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टाई बीम, तो ये टेंशन मेंबर होता है। बीम जैसा कि आपको पता होगा टेंशन मेंबर ही होता है, कॉलम होता है कंप्रेशन मेंबर एंड बीम टेंशन मेंबर। तो यहीं पे
इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हम अगला पार्ट जल्दी से आपके लिए लेकर आएंगे, पार्ट 3। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।